चलिए नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका सेवेंथ नंबर जो केसी सिन्हा बुक का जो है आपका क्वेश्चन वो दिया हुआ है एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर अपॉन में रूट एक्स डीएक्स दिया हुआ है। तो चलिए इसको क्या करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे पहले तोड़ेंगे इसको, यानी कि आप यहाँ पे क्या करेंगे एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको एक्स का लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस यानी कि प्लस लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू, भी फॉर्मूला होता है तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप क्या कि प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी यानी टू इंटू एक्स इंटू आपका थ्री हो जाएगा यानी ए आपका डीएक्स हो जाएगा अपॉन में क्या हो जाएगा वह रूट एक्स हो जाएगा। अब क्या करें तो रूट एक्स अपॉन में था इसलिए अपॉन में रूट एक्स को एक्स लिख दिया रूट एक्स लिख दिया। अब क्या कीजिएगा कि बारीकी से वन बाई वन वन में सब में क्या कीजिएगा रूट एक्स से सब में डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट एक्स हो जाएगा प्लस में थ्री थ्री जा नाइन नाइन अपॉन रूट एक्स हो जाएगा माइनस में थ्री टू जाए यहाँ पे आपका सिक्स हो जाएगा यानी सिक्स एक्स अपॉन में रूट एक्स हो जाएगा और आपका ये क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए बारीकी से सबको क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है ये कॉन्स्टेंट जो होगा इंटीग्रेशन के अंदर में उसको बाहर कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन में यहाँ पे देखिए एक्स रूट एक्स को लिख सकते हैं वन अपॉन टू यहाँ पे एक्स के पावर वन अपॉन टू लिख सकते हैं। अब देखिए प्लस में नाइन क्या है कॉन्स्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन के बाहर चलेगा अपॉन में क्या बचेगा एक्स के पावर वन अपॉन टू बचेगा ठीक। अब देखिए प्लस में यहाँ पे आपका सिक्स क्या है कॉन्स्टेंट है सिक्स जो है आपका बाहर चलाएगा क्या बचेगा एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स के पावर वन अपॉन टू यहाँ पे आपका डीएक्स हो जाएगा यहाँ पे देखिए भी डीएक्स हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे जो आपका डीएक्स जो आपका जो ऊपर में है वो नीचे जाएगा कैसे होगा एक्स स्क्वायर इंटू क्या लिख सकते हैं एक्स के पावर माइनस का वन अपॉन टू डीएक्स हो जाएगा। अब देखिए प्लस का नाइन अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका वन अपॉन एक्स के पावर ए है तो यानी कि आपका ऊपर जाने के बाद क्या होगा माइनस का वन अपॉन टू हो जाएगा डीएक्स प्लस में सिक्स को सिक्स ही कॉन्स्टेंट है। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स के पावर माइनस का वन अपॉन टू यानी कि देखिए यहाँ पे क्या है ए टू दी पावर ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन है। आप जानते हैं कि ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है ए के पावर एम प्लस ए के पावर एन होता है ना ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन का फॉर्मूला ए के पावर एन इसका देखिए ये फॉर्मूला होता है ए के पावर एम इंटू ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन का फॉर्मूला होता है ए के पावर एम प्लस एन होता है यानी कि एक्स एक्स जो है क्या है आपका बेस जो है सेम है तो यहाँ यानी कि आपका ए वाला कंडीशन है ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन वाला है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एक्स के पावर टू और आपका माइनस हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा अपॉन में वन अपॉन टू हो जाएगा ठीक। अब देखिए डीएक्स हो जाएगा प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा नाइन का नाइन ही होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका कुछ नहीं यानी कि एक्स के पावर माइनस का वन अपॉन टू का टू ही रहेगा डीएक्स हो जाएगा प्लस में सिक्स इंटू देखिए यहाँ पे क्या है इसके पावर में कुछ नहीं यानी कि एक्स के पावर में क्या है वन है यानी कि आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स के पावर वन माइनस में वन अपॉन टू डीएक्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा एक्स के पावर आपका क्या बचेगा टू टू जा फोर टू टू जा फोर यानी फोर में से वन जाएगा कितना बचेगा फोर में से वन जाएगा यानी कि थ्री बचेगा थ्री अपॉन टू यहाँ पे हो जाएगा डीएक्स हो जाएगा प्लस में देखिए यहाँ पे नाइन एक्स के पावर आपका क्या है एक्स के पावर माइनस का माइनस का ऐसे ही छोड़ दे इसको अभी माइनस का वन अपॉन टू का ऐसे ही छोड़ दे इंटीग्रेशन करेंगे जब एक को करेंगे सबको साथ में करेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का सिक्स एक्स के पावर क्या हो जाएगा आपका टू में से वन जाएगा यानी कि वन अपॉन टू बचेगा डीएक्स। अब देखिए सबको इंटीग्रेशन करेंगे अब सबको इंटीग्रेशन कैसे करेंगे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका इंटीग्रेशन हट जाएगा यहाँ से साइन हट जाएगा यानी x अपॉन क्या हो जाएगा थ्री अपॉन टू और प्लस में वन हो जाएगा थ्री अपॉन टू प्लस में क्या हो जाएगा आपका वन हो जाएगा थ्री यहाँ पे क्या हो जाएगा x के पावर थ्री अपॉन टू प्लस वन अपॉन में क्या हो जाएगा थ्री अपॉन टू प्लस का वन हो जाएगा और देखिए प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा नाइन का नाइन ही अब यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्स के पावर माइनस का वन अपॉन टू प्लस का वन
अपॉन में फिर यही हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 2 और प्लस का 1 हो जाएगा ठीक। अब देखिए यहां पे प्लस में 6 कांस्टेंट है आपका, 6 कांस्टेंट है, यहां पे क्या हो जाएगा आपका x के पावर 1 अपॉन 2 प्लस का 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस का 1 हो जाएगा और प्लस में आपका c हो जाएगा। क्यों? क्योंकि c कांस्टेंट है, जब इंटीग्रेशन हटाते तो प्लस में c जोड़ देते हैं, यानी कि आपको यहां कंप्लीटली क्या हो जाएगा, यहां पे आपका कंप्लीटली क्या हो जाएगा, यानी कि 2 और 3 5 हो जाएगा, x के पावर 5 अपॉन, यानी कि x के पावर 5 अपॉन 2 हो जाएगा, और यहां पे 5 अपॉन 2 यानी कि 2 अपॉन 5 इसको लिख सकते हैं प्लस में, यहां पे क्या लिख सकते हैं 9, x के पावर आपका क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 हो जाएगा, 1 अपॉन 2 हो जाएगा, ऊपर में भी 1 अपॉन 2 होगा, यानी कि 2 आपका यहां पे मल्टीप्लाई में चला आएगा। अब देखिए प्लस में 6 यहां पे कितना हो जाएगा, x के पावर आपका हो जाएगा 3 अपॉन 2 हो जाएगा, यहां पे भी 3 अपॉन 2 होगा, यानी कि 3 को 2 आपका नीचे चला जाएगा और 3 आपका यहां चला आएगा, यानी कि आपको यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 2 6 यहां पे आपका 2 आ जाएगा, और प्लस का जो c है वो c ही लिखेंगे। अब देखिए यहां पे आपका क्या बचेगा, 2 अपॉन 5 x के पावर 5 अपॉन 2, अब क्या बचा 9 9 2 18 हो जाएगा ना, यानी कि 18 x स्क्वायर प्लस यहां पे देखिए 2 2 जब 4 हो जाएगा 4 x के पावर 3 अपॉन 2 और प्लस में आपका c, यही आपका आंसर हो जाएगा, आंसर यही हो जाएगा।